नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध नदी है। गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों के स्पर्श से हुआ है। पुरानी कथाओं की माने तो राजा भगीरथ तपस्या करके गंगा नदी को धरती पर लाए थे, इसलिए यह नदी भगीरथी नदी भी कहलाई जाती है। गंगा नदी को स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी केदारनाथ के पास गोमुख से निकलती है। गंगा नदी में सिर्फ एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। गंगा नदी को भारत में देवी के तरह पूजा जाता है। गंगा नदी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा नदी के ऊपर दो बांध बने हुए हैं, एक टीरी बांध जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है और वो भी उत्तरांचल में है, और फरक्का बांध जो अभी पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्र नदी कहते हैं। गंगा नदी के पास बसे शहरों के नाम वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर जो विषाणु होते हैं वो पूरे विषाणुओं को अपने अंदर पलपने नहीं देते। गंगा नदी के सहायक नदियों के नाम अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, भगीरथ, कोशी, घाघरा आदि है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम।